किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बरसात में होने वाली लौकी की खेती के विषय में पूरी जानकारी देंगे। बरसात के समय में जो लौकी की खेती होती है, इसकी जो बुआई का उपयुक्त समय होता है ये जून का समय होता है, लेकिन यदि आप अगेती बुआई करते हैं तो आप 15 मई से 15 जून का जो समय होता है, इस समय की जो बुआई करेंगे तो आपकी अगेती मानी जाती है। 15 जून से 15 जुलाई के बीच का जो समय होता है ये इसमें जो उपयुक्त समय होता है, मतलब कि मध्यम अवधि वाला इसकी बुआई मानी जा सकती है। और आप पछेती में यदि आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो 15 जुलाई से पूरा अगस्त महीने तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगस्त महीने के बाद यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो आपको यहाँ पर उत्पादन कम मिलेगा और आपको जो है फ़ायदा कम होगा, क्योंकि लौकी की जो फसल होती है 60 दिन के बाद से इसमें फल मिलते हैं, तो उधर आपका केवल 1-1.5 महीना ही बचेगा, जबकि वो ठंड का समय आ जाएगा तो लौकी का आपका जो है उत्पादन जो रहेगा उसकी आपको उचित मूल्य नहीं मिलेगा। तो आप लेट, बहुत अधिक लेट में बुआई ना करें, जुलाई के लास्ट तक आप बुआई करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अब बात करते हैं अगेती बुआई की। जैसा कि हम बता रहे हैं कि 15 मई से आप इसकी बुआई करते हैं। किसान भाइयों, लौकी की जो खेती होती है ये वर्ष भर में कई समय पर होती है। जैसा कि जो जायद सीजन की लौकी की बुआई होती है, इसकी बुआई का स्टार्टिंग काफ़ी किसान भाई अक्टूबर महीने के लास्ट से ही शुरू कर देते हैं। जैसे कि मटर लगा होता, आलू लगा होता और कोई भी सब्जियां होती, इसमें वो अगेती बुआई करते हैं, अक्टूबर और नवंबर महीने में करते हैं। उसके बाद जनवरी महीने की स्टार्टिंग में इसकी बुआई होती है, जो कि नर्सरी के माध्यम से होती है। फरवरी में सीधी बुआई होती है, मार्च में बुआई होती है और अप्रैल महीने में भी बुआई होती है। तो ये वाली जो लौकी होती है, इनकी लताएं अधिकतर जो मैक्सिमम जो किसान भाई हैं, जो कि गर्मी वाला एरिया है जहां पर लू चलती है, वहां पर ज़मीन पर करते हैं। तो जब ज़मीन पर इसकी बुआई होती है तो वो आगे चलकर जून जुलाई तक वहां से फल मिलते हैं। लेकिन अभी अक्सर क्या होता है कि जो प्लॉट जलमग्न क्षेत्र में होते हैं, मतलब कि बरसात के समय उसमें पानी लग जाता है, वहाँ पर लौकी की फसल तो बरसात शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर थोड़ा ऊंचाई रहती है, पानी कम लगता है, वहाँ पर फसल लंबी चलती है, लेकिन वहाँ से जो लौकी निकलती है उसकी जो क्वालिटी वो ख़राब हो जाती है, मतलब कि टेढ़े मेढ़े लौके आते हैं, उसमें ज़्यादातर कीड़ों के डंक लगे होते हैं। तो इस तरीके से यदि आप अगेती में मई के मध्य से इसकी स्टार्टिंग करते हैं या जून के शुरुआत में ही बुआई कर देते हैं, तो आगे चलकर जुलाई मध्य और जुलाई लास्ट से जब आपकी लौकी निकलेगी तो मार्केट में आपको उसका अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि आपके नए पौधे रहेंगे और यहाँ पर आपको जो लौकी का रेट है काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से यदि आप बरसात के सीज़न वाली लौकी की खेती करते हैं तो अगेती का आपका जो बुआई है आपको मध्य मई से ही स्टार्ट कर देनी है। अब बात आती है कि लौकी की खेती करने के लिए आपका जलवायु कैसा होना चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये जो भारतवर्ष हमारा जो देश है, यहाँ पर लौकी की खेती जो भारत के हर एक प्रदेश में होती है, हर एक कोने में होती है, तो लौकी के लिए जो तापमान की ज़रूरत होती है 25 से 35 डिग्री पे अच्छा परफॉर्मेंस देती है, लेकिन ठंड में जब इसका तापमान 5 से 7 डिग्री आ जाता है उस समय में भी लौकी की पौधों से फल आते हैं, लेकिन फलों की संख्या कम हो जाती है। और जो मैक्सिमम इधर जून का महीना आ जाता है, मई लास्ट और जून का जो समय होता है, यहाँ पर तापमान करीब 45 डिग्री के आसपास भी पहुँच जाता है, उस समय भी लौकी में अच्छे फल लगते हैं। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम तापमान में भी लौकी की खेती हो रही है, तो भारत के हर एक कोने में आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो उपयुक्त जलवायु है, 25 से 35 डिग्री तापमान हो और आपके खेत का जो पीएच मान हो 6 से 7 के मध्य हो, तो उपयुक्त रहेगा। मिट्टी की बात करें तो यदि आपके खेत की मिट्टी बलुई दोमट है या हल्की दोमट है तो सबसे उपयुक्त होगी। वैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में भी लौकी की खेती हो सकती है। और यदि आपके आसपास और अन्य सब्जियों की आप खेती करते हैं, खाद्यान्न फसलों की खेती करते हैं, तो लौकी की भी खेती उसमें हो जाएगी। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि इसमें होगी और उसमें नहीं होगी, तो इस तरीके से लौकी की खेती हो जाएगी। और बात करते हैं इसमें खेत की तैयारी की। अब आपको खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है। किसान भाइयों, जो बरसात के समय में लौकी की खेती होती है, इस समय पर हमें जो इसकी लताएं होती हैं इनको ऊपर झालर देना होता है, वर्टिकल में ले जाना है। तो इस तरीके से आप इसको मचान विधि से भी कर सकते हैं, झमरा विधि से कर सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से खेती करनी है। तो खेत की तैयारी के समय से ही आपको इस तरीके की व्यवस्था कर लेनी है कि आपको आगे चलकर मचान की भी व्यवस्था करनी है,
तो तार बांस की व्यवस्था होनी चाहिए, क्रॉप नेट की व्यवस्था होनी चाहिए, रस्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत में जो पहले इससे पहले जो फसल लगे हुए हैं उनके जो फसल अवशेष हैं इनको हमें मिट्टी में दबा देना है। यदि हमने पहले से ही खेत की जुताई करके छोड़ दिया है तब तो हम फिर सिंपल उसका लास्ट जो है एक बार रोटावेटर से जुताई कर देते हैं, लेकिन कोई फसल लगी हुई हो तो सबसे पहले हम उसकी दो बार हैरो से जुताई करवा देंगे और इस तरीके से फसल अवशेष उसमें मिट्टी में दब जाएंगे और फिर हमें अंतिम जो जुताई है वो रोटावेटर से करना है। किसान भाइयों, अब खेत की तैयारी हो गई, अंतिम जुताई रोटावेटर से हो गया, अब इसमें जो भी हमें खाद डालनी है उसकी जानकारी से पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हम जो इसकी वर्टिकल फार्मिंग करेंगे या इसका जो मचान विधि से खेती करेंगे इसमें हमें दूरी कितनी लेनी है। किसान भाइयों, जैसा कि हम बरसात के सीज़न में लौकी की जो खेती करते हैं इसको हमें वर्टिकल में ले जाना होता है या फिर हम इसे मचान या झमरा बनाते हैं, तो जो वर्टिकल फार्मिंग होती है क्योंकि हम अक्सर हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करते हैं तो इसकी लताएं बहुत बड़ी नहीं होती हैं और इसमें जो इसकी लताएं होती हैं शुरुआत से ही फल आने लगते हैं, तो वर्टिकल फार्मिंग ज़्यादा सही रहता है। वर्टिकल फार्मिंग का मतलब ये है कि हम लाइन से इसमें जो बुआई करेंगे उसके बाद इसको हम ऊपर की साइड में ले जाएंगे और नीचे से ही इसमें फल लगते रहेंगे, तो 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट की हाइट में ही काफ़ी मात्रा में फल रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सीधी लाइन में बांस लगाना होगा और क्रॉप नेट लगाना होगा या जो भी हम जिस तरीके से बधाई करते हैं तो नीचे से ही फल बनेंगे। अब जो इसमें झमरा विधि या मचान विधि होता है इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जैसे यदि हम मचान विधि बताते हैं तो इसका ये मतलब होता है इसमें ऊपर चारों तरफ करीब 6 फीट 7 फीट की ऊंचाई पर हमें पूरा जाल लगा देना है या रस्सी बधाई कर देनी है और एक एक जगह पर हमें पौधों की बुआई करनी है। वो पौधे पहले किसी बांस या किसी रस्सी की सहायता से ऊपर जाएंगे फिर चारों तरफ फैल कर वहाँ पर फल लगेगा। तो जो थोड़ा देसी टाइप की किस्में होती हैं जिनकी लताएं ज़्यादा लंबी होती हैं और शुरुआत में उसमें कम फल आते हैं तो उस टाइप की लौकी की हम इस तरीके से बुआई करते हैं। फिर भी आप यहाँ पर मचान विधि, झमरा विधि, वर्टिकल विधि, आप कोई भी किसी भी तरीके से आप यहाँ पर इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर दूरी की बात करें तो 7 से 9 फीट हमें लाइन से लाइन दूरी रखनी है। मतलब कि यदि हम यहाँ पर लाइन 7 फीट रखते हैं या 8 फीट रखते हैं या 9 फीट हम रख सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें जो पौधों की दूरी है, यदि हम 7 फीट रखते हैं तो पौधों की दूरी हमें 3-3 फीट पर रखना है, यदि हम 8 फीट रखते हैं तो पौधों की दूरी हमें 2.5-2.5 फीट रखना है, यदि हम 9 फीट पर लाइन रखते हैं तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी हमें 2 फीट रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्टिकल और जो झमरा विधि या मचान विधि दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या करना है कि 7 फीट 8 फीट या 9 फीट पर हमें लाइन बनानी है। अब लाइन बनाने का मतलब क्या है कि या तो हम बेड मेकर से बेड बना सकते हैं, ड्रिप से खेती करें या फ्लड से खेती करें, हमें इसी तरीके से दूरी लेनी है। अक्सर जो किसान भाई लोग ड्रिप से खेती करते हैं वो 7-7 फीट पर ही दूरी रखते हैं या फिर उसको 6 फीट पर भी करते हैं जैसा उनका ड्रिप लाइनिंग होती है। यदि 3.5 फीट पर ड्रिप लगा हुआ है तो एक ड्रिप का गैप करके 7 फीट पर दूरी बनाते हैं। अब हमें बेड बनाना है, बेड में बनाने के लिए हम बेड मेकर का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि जो ट्रैक्टर के पास में लगे होते हैं या फिर टिलर की सहायता से बेड बना सकते हैं। कई तरीके होते हैं बेड बनाने का, तो हम अपने हिसाब से बेड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खेत की तैयारी के बाद बेड बनाने से पहले जहाँ पर हमारा बेड बन रहा है 7 फीट या 8 फीट 9 फीट पर जहाँ बन रहा है हमें सबसे पहले वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, एक रस्सी लगा देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर खाद का प्रयोग करना है। यदि हमारे पास पर्याप्त सड़ी हुई गोबर की खाद है तो हमने पहले से उसको खेत में मिला दिया है, रोटावेटर से जुताई हो गई है, अब हमें केवल रासायनिक खाद का प्रयोग करना होगा। लेकिन यदि हमारे पास गोबर की खाद की मात्रा कम है तो ये जो लाइनिंग हमारी है जहाँ पर हमने रस्सी रखा हुआ है इसी के सहायता से हम गोबर की खाद या कोई जैविक खाद या जो भी कोई भी हमें खाद का प्रयोग करना है उसको हम इसी लाइन के ऊपर ही हम छिड़क कर डालेंगे। रासायनिक खादों की बात करें तो प्रति एकड़ 1 बोरी DAP, 1 बोरी SSP और 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटास, 10 kg माइक्रोन्यूट्रेंट और यहाँ पर यदि आपके खेत में निमेटोड की समस्या है तो 6 से 8 kg आप फ्यूराडान का प्रयोग कर सकते हैं, 2 kg आपको ह्यूमिक एसिड लेना है और अन्य कोई खाद जो आप अपने खेत के हिसाब से, खेत की मिट्टी के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से और ऐड करना चाहते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इन खादों का मिश्रण तैयार कर लेना है और उसके बाद जो हमारी लाइनिंग रहेगी उस लाइनिंग में करीब जो है 1.5 फीट या 2 फीट की चौड़ाई तक हमें इस तरीके से खाद को छिड़क कर डाल देना है। अब यहाँ पर हम टिलर से इसकी बेड बनाते हैं, तो जब टिलर से बेड बनाएंगे तो खाद आपका उसके नीचे दबी रहेगी, ऊपर से मिट्टी आ जाएगी
और यदि आप बेड मेकर से बनाते हैं ट्रैक्टर से, तो आप वहाँ पर सीधा बेड बनाएंगे तो उसमें मिट्टी में ही पूरी खाद रहेगी और आपका बेड बन जाएगा। यदि आपके खेत की जो अवस्थिति है, बरसात में पानी ज़्यादा लगता है, तो आपको बेड की ऊंचाई बढ़ा कर रखनी है। यदि खेत से पानी तुरंत निकल जाता है तो बेड की आपको हल्की ऊंचाई रखनी है। आप यहाँ पर 8 से 12 इंच की ऊंचाई का बेड बना सकते हैं। तो और किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर ड्रिप का प्रयोग कर रहे हैं तो सीधा इसमें ड्रिप लाइन से सिंचाई हो जाएगी, लेकिन यदि हम यहाँ पर फ्लड से सिंचाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो बेड बनाएंगे उस बेड के एक साइड में या फिर दोनों साइड में हमें एक हल्की सी पतली सी मेड़ी बनानी होगी। मेड़ बनाने का मतलब यह है कि जब हम इसमें सिंचाई करेंगे तो दोनों किनारों से पानी रुका रहेगा और फिर वहाँ इसकी सिंचाई हो जाएगी। नहीं तो यदि हम 8-9 फीट की दूरी पर लाइन लेते हैं तो हम पूरे बीच के जो गैप है, 6 फीट का जो गैप बचेगा, उसमें हम सिंचाई करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी पूरे खेत में सिंचाई करनी होगी और खरपतवार भी ज़्यादा रहेंगे। वैसे बरसात के समय में खरपतवार होते ही हैं, लेकिन यदि हम जो है पास में एक किसी एक साइड में मेड़ी बना देते हैं तो आगे चलकर हमें सिंचाई के समय पर दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाइयों, इसके बाद जब हमने बेड बना लिया तो अगली प्रक्रिया आती है, इसमें हमें मल्चिंग लगाना है। यदि आप ड्रिप का प्रयोग कर रहे हैं तो मल्चिंग लगाना ही है, लेकिन यदि आप फ्लड से भी कर रहे हैं तो भी आपको मल्चिंग लगाना है, क्योंकि जो बरसात के समय में खेती होती है उस समय काफ़ी ज़्यादा खरपतवार उगेंगे और वो खरपतवार जो उसमें आपने पोषक तत्व दिया है उसको अवशोषित करेंगे और इसकी जड़ों के पास ग्रोथ करेंगे और इसमें जो पोषक तत्व हैं इसके लिए प्रतियोगिता होगी तो आपके पौधे कमज़ोर रह जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप यहाँ पर मल्चिंग सीट का प्रयोग करें। किसान भाइयों, बात आती है यदि हमने बेड ऊंचा बनाया है, चौड़ाई अधिक बनाई है, क्योंकि जैसा कि हमारा यदि खलार वाला क्षेत्र है तो मोटे बेड बनेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मीटर की चौड़ाई वाली मल्चिंग का प्रयोग करना है। लेकिन यदि हमारे जो खेत हैं वो थोड़ा ऊंचाई पर है, पानी आसानी से निकल जाता है, तो यहाँ पर हम हल्का जब बेड बनाएंगे तो एक फ़ायदा ये यहाँ पर रहेगा कि हम जो 4 फीट की चौड़ाई वाली मल्चिंग होती है उस मल्चिंग को 2 पार्ट में काट देंगे और उसके बाद फिर 2 फीट की चौड़ाई वाली मल्चिंग से हम उस बेड को ढक देंगे, तो यहाँ पर मल्चिंग का कास्ट हमारा बच जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से मल्चिंग बिछा देने के बाद अब हमें यहाँ पर होल लेना है। जितनी दूरी पर हमें सीट की बुआई करनी है उतनी दूरी पर हमें यहाँ पर होल लेना होगा। इस तरीके से होल ले लेंगे और होल लेने के बाद हम यहाँ पर सीट की बुआई करेंगे। प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 350 से 400 ग्राम लौकी के सीट की ज़रूरत होती है, तो आप इतनी सीट्स की यहाँ पर बुआई करेंगे और एक एक जगह पर आपको एक सिंगल सीट की बुआई करनी होगी। किसान भाइयों, बुआई के समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि जैसा कि बरसात का समय होता है और खेत में नमी है या नहीं है, खेत की तैयारी के समय हमें ऐसे ही तैयारी कर देनी है। यदि पर्याप्त नमी है, बरसात का समय है, अच्छी नमी है, तो हम वहाँ पर सीधी बुआई कर देंगे। यदि पर्याप्त नमी नहीं है, क्योंकि हम अगेती बुआई करते हैं तो मई से ही हम इसकी बुआई स्टार्ट कर देंगे, 15 मई से, तो हमें उसकी बुआई के बाद तुरंत उसकी सिंचाई करनी होगी और इस तरीके से सिंचाई करनी होगी ताकि वहाँ पर जो है अच्छे से नमी ऊपर सीट तक पहुँच जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो आपको बताया था कि जो हम बेड बनाएंगे और हम फ्लड से कर रहे हैं तो बगल से भी हम 2 मेड़ बना देंगे, क्योंकि यदि हम मई से जून से ही इसमें पहले से ही सिंचाई कर देंगे, पूरे जो 6 फीट का बीच का गैप है उसमें सिंचाई कर देंगे, तो खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उग जाएंगे, आगे चलकर कीड़े मकोड़े आएंगे और आपकी फसल में रोग आएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर बताया था आप एक सी साइड में एक मेड़ बना सकते हैं, तो वहाँ से आप सिंचाई करेंगे बुआई के बाद तो पूरी नमी उसमें पहुँच जाएगी। किसान भाइयों, इस तरीके से बुआई के बाद इसमें जो है 7 से 8 दिन के बाद आपका यहाँ पर जमाव शुरू हो जाता है। तो 8-10 दिन में जब आपका जमाव हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या करना है कि इसमें आप किसी कीटनाशक का स्प्रे करना है, या आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप जो पाउडर फॉर्म में कीटनाशक आते हैं जिसमें 1% 2% के आसपास होता है, जैसे महाकाल, नागिन, इन सब नामों से आता है, इसमें आप 25% कीटनाशक और 75% जो चूल्हे की राख होती है आप उसका प्रयोग करके इसका बुरकाव आप अपने जो छोटे छोटे पौधे का जमा हुआ उसके ऊपर कर देंगे। तो इसमें जो कीड़े आते हैं, रेड पम्पकिन बीटल आता है, अमेरिकन सुंडी आती है, और ये जो और इसको देहाती भाषा में गदहला बोलते हैं, ये सब आते हैं, शुरुआत से ही पत्तों को काट देते हैं, उसकी शाखाओं को नीचे से ही काट देते हैं, तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो इनसे बचाव हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से बुआई हो गई, अब आगे पौधों का ग्रोथ होगा। तो इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर मचान की भी तैयारी करनी है, क्योंकि जो बरसात की बुआई है हम यहाँ पर मचान की तैयारी कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रति एकड़ यदि हम प्रति एकड़ की बात करें तो यहाँ पर 300 से 325 के आसपास बांस लगेंगे, जो कि आप 7 से 8 फीट की लंबाई में ले सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर करीब 15-20 सीमेंटेड पोल का प्रयोग करते हैं, चारों किनारों पर करते हैं, और चारों साइड में बीच बीच में 30-40 फीट के गैप में भी आप कहीं कहीं पर प्रयोग कर लेते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर मजबूत बनेगा, तो आपके लिए थोड़ा और सही रहेगा। और जो किनारे के साइड में बांस लगेंगे उसके लिए आपको तिरछे में सपोर्ट भी देना होगा ताकि वो अंदर की तरफ ना झुकें, तो इस तरीके से आपको इतने बांस की ज़रूरत होगी। और तार की बात करें तो करीब 40 से 45 केजी के आसपास आपका 16 नंबर वाला तार लगेगा। यदि आप पैरासूट वाले धागे का प्रयोग करते हैं तो करीब 12 से 15 केजी का जाल लगेगा, और यदि आप प्लास्टिक वाले जाल का प्रयोग करते हैं तो 5-6 केजी के जाल की ज़रूरत होगी। किसान भाइयों, लौकी की खेती में जो हमें यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग करनी है, यहाँ पर जो जाल तार लगाना है, इसकी जो बधाई करनी है, इसकी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही पड़ी हुई है, और एक डिटेल वीडियो हम जल्द ही लाएंगे जहाँ पर कैसे क्या बधाई करनी है इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो किसान भाइयों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर पौधों की बुआई हो गई, पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हम यहाँ पर जाल तार की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आगे हमें यहाँ पर किस तरीके से पोषक तत्व का प्रबंधन करना है। किसान भाइयों, यहाँ पर पोषक तत्व की आगे क्या ज़रूरत होगी इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने आपको कई खादों के बारे में बताया था, उन सब का मिश्रण करके आपने बेड की तैयारी के समय डाल दिया था, लेकिन उसमें जो यूरिया की मात्रा थी, एक बोरी यूरिया मतलब 45 केजी जो यूरिया थी, उसमें हमें केवल 15 केजी यूरिया का प्रयोग पहली बार करना है, और बाकी 15-15 केजी के जो दो इसमें बचेंगे उसको हमें दो बार में प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जो 15 केजी यूरिया है इसका जो पहला डोज हमें देना है ये 30 दिन पर देना है, और इसमें 30 दिन पर हमें 15 किलो यूरिया के साथ 5 किलो मैग्नीशियम, 5 किलो कैल्शियम और 5 किलो बोरान का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग हमने जैसा कि मल्चिंग लगाया हुआ है तो मल्चिंग में जो होल बने हैं उसके चारों तरफ से हमें डाल देना है, और उस समय खेत में नमी होनी चाहिए, और नमी नहीं है तो खेत में देने के बाद फिर हमें उसकी सिंचाई कर देनी है, या फिर हम मल्चिंग को एक साइड से उठाकर उसके नीचे की साइड से डाल देंगे। तो इस तरीके से 30 दिन की अवस्था पर हमें ये खाद की ये डोज देनी है। अगली डोज की हम बात करें तो जब पौधे 60 दिन के आसपास के हो जाएंगे तो उस समय हमें, यदि हमारे पास एनपीके 12-32-16 उपलब्ध है, क्योंकि इस समय किसान भाइयों पोटास जो है मार्केट में नहीं आ रहे हैं या काफ़ी महंगे हैं, तो उसकी वजह से यदि हमें हमारे पास एनपीके 12-32-16 है तो हम उसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो हमें डीएपी और उसके साथ में पोटास। डीएपी हमें 30 केजी लेना है और 10 केजी पोटास लेना है। इसका प्रयोग पौधे की जो 60 दिन की अवस्था होती है इस पर हमें एक बार कर देना है। फिर जो हमारी यूरिया है इसकी जो अगली मात्रा है, पौधों की जब 90 दिन की अवस्था हो जाती उस समय हमें 15 केजी यूरिया और उसके साथ कुछ हमें माइक्रोन्यूट्रेंट्स, जैसे जिंक की कमी लग रही है तो जिंक, नहीं तो कैल्शियम बोरान, इसका हमें प्रयोग यहाँ पर करना है। किसान भाइयों, बाद की अवस्था के लिए जो हमने यहाँ पर खाद बताया, जो 2-3 डोज बताया हुआ है, इसके अलावा पौधों की आपके खेत में कैसी कंडीशन है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप इसमें फेरबदल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पर आगे के आने वाले दिनों में खाद दे सकते हैं। फसल लंबी चलती है, 6-7 महीने तक चलती है। शुरुआती 90 दिन की अवस्था में 3 महीने के लिए हमने डोज बता दिया है। यदि आपकी फसल लंबी चलती है और अच्छी चलती है तो वहाँ पर खाद की और ज़रूरत होगी, तो आप समय के हिसाब से आप वहाँ पर फिर से खाद दे सकते हैं। ये तो हुई यहाँ पर पोषण की व्यवस्था। तो अब इसमें बात करते हैं सिंचाई, जल प्रबंधन की क्या बात आती है। जैसा कि आपने अगेती यदि बुआई किया हुआ है तो आप बुआई के बाद इसकी जो सिंचाई करते हैं उसके बाद आपको फिर से पहली सिंचाई थोड़ा जल्दी करनी होगी, क्योंकि जो मई का महीना होता है, जून का महीना होता है, यहाँ पर धूप काफ़ी रहती है, इसमें नमी काफ़ी तेज़ी से चली जाती है, तो आपको यहाँ पर करीब 7 से 10 दिन के आसपास में आपको एक सिंचाई करनी है। वैसे आप यहाँ पर मल्चिंग लगाकर इसकी बुआई कर रहे हैं तो गर्मी के समय में भी नमी ये ज़्यादा समय तक रोक कर रखता है, तो पहली सिंचाई आपको थोड़ा जल्दी करनी होगी, फिर उसके बाद आपको इतनी जल्दी सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आगे बरसात नहीं होती है तो 15-20 दिन पर आप इसकी एक सिंचाई और कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब यहाँ पर पौधों का जमाव हो जाता है, पौधे छोटे रहते हैं, तो वहाँ पर हमें जल्दी जल्दी सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। जमाव हो जाने के बाद हमें केवल नमी बनाकर रखना है और हल्की सिंचाई करना है, और जब इसमें हमने बेड बनाकर पौधों की बुआई किया हुआ है, पौधों का अंकुरण होता है, तो एक पत्ती ऊपर की साइड में आती है, दूसरी पत्ती
कि एक जो नस होती है जहाँ से जड़ों का ग्रोथ होता है वो जड़ में नीचे की तरफ जाती है। यदि हम केवल नमी बनाकर रखेंगे तो जड़ें नमी को ढूंढते हुए अपने आप जाएंगी और अंदर की तरफ चारों तरफ फैलेंगी। तो इस तरीके से यदि हमने बहुत अधिक पानी दे दिया तो उसमें जड़ गलन की समस्या रहेगी, लेकिन हमने केवल नमी बनाकर रखा हुआ है, पर्याप्त नमी बनी हुई है तो जड़ें चारों तरफ फैलेंगी तो जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होगा। तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। और आगे चलकर इसमें जुलाई महीने से बरसात शुरू हो जाती है, फिर यहाँ पर सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। अगस्त महीने के लास्ट में सितंबर महीने में हमें एक आध बार सिंचाई की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बरसात में गैप हो जाता है। और फिर उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से जैसा इसमें नमी चली जाती है तो हमें नमी बनाकर रखना और समय समय के हिसाब से यहाँ पर सिंचाई करना। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। जैसा कि इसमें हमने मल्चिंग तो लगा कर रखा हुआ है और यहाँ पर मुख्य रूप से पौधों की जड़ों के पास में जो होल बना हुआ है जहाँ से हमने बुआई की हुई है, यहाँ से कुछ खरपतवार शुरुआत के समय में निकलते हैं। तो शुरुआत से ही हमें उस होल के चारों तरफ जो खरपतवार निकलते हैं उसको हाथ से पहले से ही निकालते रहना है। जैसे कि यहाँ पर दो बेड के बीच की जो दूरी होती है यहाँ पर जो खरपतवार निकलते हैं, इसके लिए हम टिलर से इसकी जुताई कर सकते हैं। और कोई साधन है तो हम उससे जुताई कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पर पैराकार्ट दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि एक कॉन्टेक्ट बेस की ये हर्बिसाइड्स होती हैं। तो जितना इसमें पौधे टच में आते हैं वो उतने को नुकसान पहुंचाती है। यदि यहाँ पर हम राउंडअप का प्रयोग करते हैं तो वो ज़मीन पर भी पड़ेगी और मिट्टी में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आसपास में जो लौकी की इसमें शाखाएं हैं, इसकी जड़ें हैं, मल्चिंग हुई होती है तो जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा तो आपकी फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण करना है। और फिर आगे ज़रूरत पड़ी तो आप मज़दूरों से भी इसका खरपतवार निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप खरपतवार का नियंत्रण करेंगे। अब यहाँ पर पोषण तत्व प्रबंधन, जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण ये सब हो चुका। अब यहाँ पर बात आती है इसमें लगने वाले रोगों के बारे में और इससे आगे क्या उत्पादन होता है, इसमें हमें क्या लाभ मिलता है, इन सब के बारे में। किसान भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो इस पार्ट को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं और सेकेंड पार्ट में आगे की पूरी जानकारी को हम कवर करेंगे। तो किसान भाइयों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।